दोस्तों इस साल के 3 महीने तो खत्म हो गए हैं, बैलेंस 9 मंथ्स में एक प्रोडक्शन कंपनी है, एक प्रोडक्शन हाउस है जिनकी 6 या 7 फिल्में रिलीज होगी और वो है ASA प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो हमने सोचा क्यों ना ASA प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस लिमिटेड के विक्रम भट्ट एंड अंजू बिश्नोई को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि आखिर हाउ आर दे अचीविंग द इम्पॉसिबल। सो लेट्स वेलकम विक्रम भट्ट एंड मिस्टर अंजू बिश्नोई। वेलकम टू ETC बॉलीवुड। थैंक यू, थैंक यू। विक्रम आपसे शुरू करता हूं, कौन सी मशीन लगाई है कि धड़ाधड़ प्रोडक्शन किए जा रहे हैं आप लोग? हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं, हम कॉरपोरेट भी हैं और हम 2 जन लगे हुए भी हैं, तो एक फैमिली यूनिट टाइप का कॉरपोरेट है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट एज बिग एज UTV एंड Viacom 18 मोशन पिक्चर्स और Eros इंटरनेशनल एंड येट इट इज डूइंग सो मच। पहले मेरे साथ क्या होता था कोमल, कि जितने आइडियाज होते थे मेरे पास मैं सबको डायरेक्ट करना चाह रहा था कि सारे कर दूं। साल में 2 पिक्चरें 3 पिक्चरें और फिर क्वालिटी का भी एक फर्क पड़ता है। लेकिन अब एक कंपनी होने का एक फायदा यह है कि हर जो आइडिया होता है आपके पास वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। पहले तो अंजू जी नहीं थे मेरे साथ व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी, लेकिन अब जो मेरे साथ हैं वो तो पूरा बिजनेस का जो साइड है वो संभालते हैं, तो मेरे लिए एकदम आसान हो गया कि मुझे सिर्फ अभी क्रिएटिव चीजें देखनी है। तो इन दैट रिगार्ड्स इट बिकम्स मच इजियर फॉर मी। करेक्ट अंजू जी, विक्रम भट्ट के पास तो आइडियाज आए दिन आते रहती हैं, तो आप कैसे विक्रम भट्ट को कंट्रोल करते हैं कि पैसे इतने ही हैं, अब 6 नहीं 7 नहीं 5 फिल्में या 4 फिल्में? मैं इन्हें कभी मना नहीं करता। अच्छा अच्छा, ये जो भी आइडिया बोलते हैं ऐसे ही है, लेट्स डू इट। ये फैक्ट है। तो यानी इनके घर में प्रोडक्शन मशीन लगी है और आपके घर में फाइनेंस की मशीन लगी है, नोट छापते रहते हैं आप। ये हॉरर फिल्मों में दिलचस्पी कैसे आई और क्या लगता है आपको, हॉरर फिल्म्स आर एन अंडर यूटिलाइज्ड जॉनर इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन बॉलीवुड स्पेशली? सी, इसमें एक्चुअली क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो जो भी डायरेक्टर फिल्म बनाता है उसको ये देखना चाहिए कि और लोग कौन सी फिल्में बना रहे हैं। करेक्ट। अगर 5 लोग कॉमेडी बना रहे हैं और आप भी कॉमेडी बना रहे हैं तो यू आर वन ऑफ द 6। लेकिन अगर कोई हॉरर नहीं बना रहा है और आप हॉरर बना रहे हैं तो यू आर द ओनली वन। करेक्ट। तो मार्केट स्लाइस आपकी ज्यादा बनती है, सो दैट इज अ बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। दूसरा, राइट फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फर्स्ट फिल्म फरेब जो आई थी 95-96 में, तब से आई हैव बीन सेलिंग थ्रिल एंड फियर। लाइक आई से माई सेल्फ, आई एम अ फियर पेडलर, आई लाइक टू सेल फियर। सम पीपल लाइक टू सेल लाफ्टर, सम पीपल लाइक टू सेल लव, आई लाइक टू सेल फियर। लेकिन अभी हमारा ऐसा नहीं है। इस साल जो हमारी फिल्में हैं दे आर अ मिक्स बैग। जैसे अंकुर अरोरा मर्डर केस है, दैट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, कोर्टरूम ड्रामा। फिर एक फिल्म जो हम टी सीरीज के साथ भूषण जी के साथ बना रहे हैं जिसका नाम है भाग जॉनी, वो अपने आप में एक थ्रिलर है। इट्स हैज अ यूनिक प्लॉट जिसमें इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज गिवन अ बून टू लिव 2 लाइव्स एट द सेम टाइम। सो इट्स अ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग आइडिया इन अ सब्जेक्ट। Hate Story 2 again is like Hate Story का sequel. Hate Story का more like a franchise than anything else. तो ये 2-3 फिल्में तो वैसे ही horror element नहीं है, बाकी मेरी जो फिल्म है Creature, which is I think one of the most ambitious films being made today because it's India's first creature film and being made in 3D and maybe IMAX. Okay, IMAX also. So it'll be India's first IMAX 3D film. It'll also be because India mein there has never been a creature film, but the foreigners mein you have seen Jurassic Park. Correct. And Jaws and Alien. Correct. And काफी बनी है Hollywood में, but यहाँ पे एक भी नहीं बनी। Correct. So it's the first state of the art creature film. So that again is not horror. Correct. So we are keeping our core competence of horror going, but at the same time we are slowly also diversifying into different genres. तो horror में इस साल कौन सी फिल्में होगी? एक हॉरर स्टोरी है, विच अगेन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर, लेट मी ऐड। अच्छा, उस फिल्म का नाम ही हॉरर स्टोरी है? उसका नाम हॉरर स्टोरी। ओके। उसका रीजन ये है कि जब हमारी फिल्म आती थी 1920 या राज या हॉन्टेड, तो एक कंप्लेन मुझे हमेशा मिलती थी कि सर ये
हॉरर फिल्म में आप गाना भी डालते हैं, रोमांस भी डालते हैं, पूरा भिलपुरी हो जाता है. तो बट द सिंगल स्क्रीन एंजॉयज दैट. करेक्ट. दे लाइक दैट होलसम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. बिल्कुल. बट द मल्टीप्लेक्स डज नॉट. सो आई सेड लेट मी डू अ मल्टीप्लेक्स हॉरर. सो हॉरर स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ सेवन फ्रेंड्स हु हैव अ बेट एंड गोइंग टू अ हॉन्टेड होटल. And the whole film is a one-night story of how many survive till the morning. Oh. So it's... And survive without singing songs and dancing to songs. Nothing. Which ideally even the audience will survive. it's a new attempt because okay. It's what I call relentless horror. Relentless horror. So matlab, chills down the spines, huh? Chills and thrills continuously. Achha. From first minute to last minute. That is horror story. That's called horror story. Mm-hmm. And iske alawa 1920 is with Reliance. Mm-hmm. Haunted 2 we are talking about. So we have a bags full at this point of time. So it's a mixed bag. It's a mixed bag. Creature ki baat karte hain. Kaise idea aayi aapke dimag mein ek creature film banane ki? India mein jaisa aapne kaha ki isse pehle creature filmein bani hi nahi hain. Yahan pe mujhe lagta hai ki hum log bahut experiment karte nahi hain. Apni careers ke sath. और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. देखिए जब हॉन्टेड बनाई हमने 3D में, ASM में ही बनाई हम लोगों ने, तो मुझे याद है कि किसी का बिलीफ नहीं था कि ये 3D होगी. बहुत से लोग आके कहते थे 3D में शूट किया है, कुछ देख सकते हैं. क्योंकि उनको लगा कि ये एक डेफिनेटली बेवकूफ बना रहा है, कुछ कन्वर्जन वर्वर्जन किया होगा, कुछ बकवास सा कैमरा ले आया होगा. So at least in Haunted, we proved that, okay, we've done real 3D. Raz was obviously a step up as far as 3D was concerned. Correct. But now... And several notches higher as far as the business was concerned. Oh yeah, hugely. But of course, it had the parts and Imran and Bipasha and music. So it had a lot of it, lot of things going for it. Mm-hmm. But now I want to challenge myself into something new. Because I think when a director challenges himself in a different area, that's when you bring out your best. Mm-hmm. You might fail. Mm-hmm. But at least you're trying to do something different. Correct. Because regular karke to failure definite hai. Correct. At least kuch alag karke you might sail. What I'm planning for Creature with Atmos, Dolby Sound and IMAX, possibly 3D, it'll be something that the audiences have not seen before. Aur ye kab release hogi? June 6th. 2014. अच्छा ये इस साल नहीं होगी. नहीं. एंड इंडिया में क्यों इतना समय लग गया क्रीचर फिल्म बनाने के लिए? हमारे वहाँ एक भेड़चाल चलती है कि लोग अगर एक कॉमेडी चलती है तो सब कॉमेडी बनाते हैं, एक लव स्टोरी चलती है तो लव स्टोरी बनाते हैं. हमारे जो टॉप प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो ज्यादातर बड़ी स्टार कास्ट वाली रोमांटिक या एक्शन फिल्में बनाते हैं. मेरे जैसे जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं हु वॉन्ट टू मेक अ फिल्म लाइक क्रीचर, उनके पास आइडिया होता है तो बजट नहीं होता. बजट होता है तो स्टार आ जाता है, स्टार आता है तो बोलता है मैं क्रीचर क्यों बनूं? करेक्ट. मैं तो रोमांस करूंगा या कॉमेडी करूंगा मैं क्रीचर से क्यों लड़ूं और डरूं भी क्रीचर से. तो एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है. लकीली फॉर मी आई एम इन अ यूनिक पोजीशन वेयर आई हैव द बजट एंड द नो हाउ टू मेक क्रीचर. और अगर ऊपर वाले की दया से सब ठीक हो गया तो आई विल बी एबल टू एक्सपेरिमेंट मोर. Financial decisions about the budget, वो कैसे लेते हैं? वो मिलकर लिया जाता है या that is only your department? नहीं, that is jointly taken. हाँ. I mean it's foolishness to do something on your own. When a team is there, inputs from everybody always help. So it's a joint decision. और creative decisions में आपका कितना सहयोग रहता है? Not much. We have an expert. So why, that is not true. Why unnecessarily spoil the broth? No, we consult him on all. Actually, we share cabins. So as soon as something happens, जैसे अभी परसों ही creature का एक पूरा photograph आया special effects से, तो I went into his cabin and said, आया ये देखिए जिल्ला, अपना creature आया है. और ultimate aim क्या है? ASA Production and Enterprises Limited को कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? We are trying to expand. We will be getting into exhibition by owning or
leasing multiplexes. Okay. Our next step would be to get deeper into regional films. Okay. Like Punjabi, Marathi. Mm-hmm. Those avenues are being explored also. Hmm. Okay. Vikram, आपने कहा कि I peddle fear, मैं fear बेचता हूँ. आप different genres से experiment करते हैं, non-star cast या new star cast फिल्में भी बनाते हैं. How fearful are you of failure? कोमल, सब कुछ देख लिया अभी. Success, huge success, failure सब देख लिया. तो इतना तो भरोसा है कि कुछ ऐसा नहीं होगा कि मरी जाऊँगा. और कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि 100 साल जी जाऊंगा. इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इट. पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए, इंटेग्रिटी से काम करना चाहिए, और ऑडियंस को वो देना चाहिए जो आपको लगेगा कि उनको पसंद है. सो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट. आई एम दैट वे, आई एम फियरलेस बिकॉज आई नो दैट आई एम अ टैलेंटेड पर्सन एंड आई नीड वेरी लिटिल टू लिव. So I'm, and I know that what I need to live, I will earn. So what drives you? If not the money, what is it that drives you? What drives me is a responsibility given to me by my partners, given to me by my company, to make this company into something. And it's like a film. When you're given a film, you're given the responsibility to make it succeed. Similarly, you're given a company to make it work, to make it succeed. We started not very long back. We started only in 2008. Which means about 5 years back. Yeah, 5 years back. And in the first 2-3 years, Komal, we had only one or two films. Correct. We were trying to establish a foothold. Yeah, our first film, Mumbai Salsa, didn't do well. Correct. 1920 was our first successful film. Correct. Then again, Shapit didn't do really well. Correct. Then Haunted came and did well. So we were actually going one step back, one step forward. We were, trying to, set up a base here. Last year was good for us because though Dangerous Ish didn't do well, we had Hate Story, we had 1920 Returns. Correct. So we're stepping up. Then, of course, as I said, Mr. Bishnoi came on and helped matters more. So now I think what I would say is that we are getting into the basic stream of things. So aapko lagta hai ki aane wale 2-3 saal ya 2013 2014 15 will be very exciting for the company? Ha, if you want to put it that way. Exciting, tense. lekin see, jaisa aapne kaha ki hum koi badi corporate hai nahi, ye nahi ki hum UTV या Viacom है. तो हमारे लिए हर फिल्म इम्पॉर्टेंट होती है. हमारे लिए एक लॉस बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि वी आर अ स्मॉलर कंपनी. करेक्ट. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लाइक यू नो नो वन कैन प्लान अ सक्सेस बट यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस. करेक्ट. सो आर दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हिच आई वाज टेलिंग अंजू जी ऑल्सो बिकॉज दिस ईयर कैन If this year goes well for us, then it can really make the company. Correct. क्योंकि अगर आपकी 5-6 फिल्में रिलीज पे हो और मैं तो कहता हूँ उसमें से अगर 50% भी चल जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग इन एन इंडस्ट्री वेयर द सक्सेस रेशियो इज एज लो एज 18 and 20%. As 18-20%, if a company has a 50% success ratio, I would say that's fantastic. Vikram, आप 1920 थर्ड पार्ट बना रहे हैं, हेट स्टोरी 2, हॉन्टेड 2, ये सब बना रहे हैं, तो ये सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइजेस का जो सिलसिला है, व्हाट डू यू थिंक, डज इट हैव अ शेल्फ लाइफ या ये चलता ही रहेगा? एक्चुअली ना, अगर आप गौर से नोटिस करें तो ये एक्चुअली सीक्वल्स नहीं है. एग्जैक्टली, दे आर इन द सीरीज. या मुझे लगता है कि दीज आर नॉट फ्रेंचाइजेस बट मोर लाइक मार्केटिंग टूल्स. अब जैसे ही आप हेट स्टोरी कहते हैं तो कुछ चीजें आपके जहन में आती है, जैसे आपको पता चलता है कि हाँ, हेट स्टोरी है तो फीमेल ओरिएंटेड होगा, सेक्सुअलिटी होगी, रिवेंज ड्रामा होगा. सो आई डोंट हैव टू सेल इट. ओके.
मेरे 2 करोड़ कुछ चीजें सेट है, हाँ, 2 करोड़ की पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है, हो जाती है. Exactly. अगर मैं 1920 कहता हूँ, आई कैन सी द स्माइल ऑन हिज फेस, ही सो हैप्पी मेरे 2 करोड़ बच गए. हाँ, बिकॉज लाइक जब आप कहते हैं राज तो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ इमोशनल पिक्चर होगी, मतलब लवर्स की, लवर्स का कोई ट्रैक होगा, गाने अच्छे होंगे, करेक्ट, हॉरर होगा, जैसे या गोलमाल ले लीजिए तो आपको पता है कि कॉमेडी होगी, ये होगा वो होगा. तो एक पार्ट टू पार्ट थ्री करने से ऑडियंस को लगता है, आई मीन प्रोड्यूसर और ऑडियंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर हम लोग ये कहें तो आपको ये समझना है. एग्जैक्टली. तो उसको वो करने से काफी कुछ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मार्केटिंग वाइज इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज यू डोंट हैव टू, स्पेशली जब आपके पास स्टार्स ना हो तो किस किस्म की पिक्चर है, क्या है, क्यों है, ये सब समझाना बहुत आसान हो जाता है. जब मैं कहता हूँ कि हिट स्टोरी 2, तो इवन इफ इट्स गॉट यू नो रिलेटिवली न्यू पीपल, यू गेट द ड्रिफ्ट. बट विद सम सीक्वल्स और सम फिल्म्स एंड सीरीज नॉट डूइंग वेल, ऐसा नहीं लगता है कि ऑडियंस शायद ऊब जाएगी एंड ऐसी फिल्मों को पेट्रोनाइज करना कम कर देगी? बंद तो नहीं होता है कुछ, कम कर देगी? देखिए, जैसे ही बंद हो जाएगा, जैसे ही एक फ्रेंचाइज की एक फिल्म नहीं चलेगी, वो फ्रेंचाइज अपने आप खत्म हो जाएगी. बट सिलसिला फ्रेंचाइजेस का ये नहीं खत्म होगा. अच्छा, यू थिंक इट्स हियर टू स्टे? ये यहां पे रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें एक और रीजन है. एक टाइम पे हम लोग शेमलेसली हॉलीवुड फिल्म्स रिप ऑफ करते थे. करेक्ट. इसलिए नहीं क्योंकि हमारे वहां राइटर्स नहीं थे या मेहनत नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए क्योंकि एक डेफिनेट स्क्रिप्ट और सक्सेस सामने दिखता था कि हाँ ये चली है. ये अब कॉपीराइट इज इन, अब ऑल ऑफ अस हैव ग्रोन अ कॉन्शियस और अब हम लोग ये सब नहीं करते. देन व्हाट इज द अदर शॉर्ट शॉर्ट वे, और एटलीस्ट seemingly short way of making sure that the film will have an audience, and that is a franchise. So it's क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसी पिक्चर पहले चली है तो वापस चलेगी, ये एक भरोसा, इस बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ते हैं. आप आगे बढ़ते हैं तो ये बिलीफ आप कैसे ले सकते हैं प्रोड्यूसरों की? वो तो जब तक फिल्में रहेंगी ये बिलीफ रहेगी, बिकॉज ये ऐसा धंधा है जहां पे गैम्बल है. वहां गैम्बल में आप किसी को 1% भी श्योरिटी दे देते हैं कि ये करने से शायद चल जाए तो मेरे ख्याल से वो झपट लेता है. हाँ, वैसे ही जो आदमी बेचारा फिल्म के कैंस लेके सिद्धि विनायक से शिरडी जाता है, उसको आप अगर फ्रेंचाइज दे दें वो तो खींच ही लेगा पूरा, छीन के, यू नो, ही मेक यूज ऑफ इट. कितना मुश्किल हो जाता है जब 6 या 7 फिल्मों में से विक्रम भट्ट एक ही फिल्म के डायरेक्टर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना कि बाकी फिल्मों में भी दम है, ऐसा नहीं है? बिकॉज द जनरल टेंडेंसी इज, अरे विक्रम भट्ट एक बना रहे वही बेस्ट होगी, बाकी तो सब आउटसाइड डायरेक्टर्स बना रहे हैं. इज इट डिफिकल्ट? आपसे शुरू करते हैं. नहीं, आई डोंट थिंक ही इज देयर टू गाइड द अदर डायरेक्टर्स ऑल्सो, एंड दैट गाइडेंस इज फ्रीली एंड ऑलवेज अवेलेबल टू देम. सी, मुझे लगता है द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. करेक्ट. पिछले साल जो मैंने डायरेक्ट की वो नहीं चली, और जो 2 मैंने नहीं डायरेक्ट की वो चली. करेक्ट. करेक्ट. तो इससे साफ पता चलता है कि आई एम नॉट कैट्स विस्कर्स एंड द अदर्स आर एज टैलेंटेड. एज टैलेंटेड. करेक्ट. करेक्ट. दैट्स अ लवली आंसर विक्रम. यस, विशिंग दैट यू एंड योर कंपनी प्रूव्स टू बी द कैट्स विस्कर्स दिस ईयर, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग ईयर फॉर एएसए प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस लिमिटेड. बिश्नोई साहब, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. थैंक यू कुमार. तो दोस्तों, ये थे विक्रम भट्ट और अंजू बिश्नोई साहब. इनकी कंपनी एएसए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस साल इस कंपनी के लिए बहुत कुछ स्टेक पर है, बिकॉज दे आर गोइंग टू फ्लड द मार्केट विद अ नंबर ऑफ रिलीजेस. एंड जैसा विक्रम भट्ट ने बताया, ही इज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यूअर आइडियाज, और इसलिए यू कैन बी श्योर कि आपको कुछ नया, बहुत कुछ नया इस साल देखने मिलेगा थैंक्स टू एएसए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस लिमिटेड. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही.